एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही, ऐसी बातें हमें आसपास सुनाई देती हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसी को जानने के लिए हम यहाँ JW मैरियट मार्की सिटी सेंटर दोहा में मौजूद हैं, जहाँ मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की तरफ से कतर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल वीक 2024 सेलिब्रेट किया जा रहा है। कतर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल वीक 2024 सेलिब्रेट करने का मकसद यही है कि इन्फेक्शन को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके। जब हम कहते हैं कि बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो इसका मकसद ये है कि कोई तो अद्वियात जो कि इस्तेमाल की जा रही हैं, वो उन जरासीम पर यानी बैक्टीरिया पर, फंगस पर, उस पर असर नहीं कर रही, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस पैदा होता है और वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से नाम दिया जाता है। अब इसी को देखना है, और ये जो प्रोग्राम है उसका मकसद भी यही है कि हेल्थ केयर वर्कर्स को, नर्सिस को, लैब जो टेक्नीशियंस हैं, उन्हें किसी तरह से गाइड किया जा सके, ताकि वो अवेयरनेस फैला सकें आम पब्लिक में कि हम इस इन्फेक्शन से किस तरह से बच सकते हैं और उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं और उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं छोटे छोटे मेजर्स अपना कर, जैसे कि हैंड वॉश है जो कि बहुत अहम है किसी भी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में। वैक्सीनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वक्त पर वैक्सीन जो है वो करवाई जाए, और इसके अलावा आप डायग्नोसिस जो भी बीमारी है वो सही तरह होना चाहिए, एंटीबायोटिक सही इस्तेमाल और सही टाइम तक लेनी चाहिए।